गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लेबर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जब शुगर की बात है या जो आप चीनी इस्तेमाल करते हैं या आप मिठाई खाते हैं, तो जो शुगर आपके बॉडी में जाती है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती है कि शुगर ज्यादा खाने से डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज अकेली बीमारी नहीं है जो शुगर से होती है। जरा शुगर आपकी बॉडी में जाती है, जरा ध्यान से देखिए कि वो क्या क्या करने की ताकत रख सकती है, आपको वास्तव में कितनी शुगर इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हम साइंटिफिक स्टडीज को देखें तो जो महिलाएं हैं या फीमेल्स हैं उनको 6 चम्मच या 6 टीस्पूनफुल इससे ज्यादा शुगर 24 घंटे में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही जो मेल्स हैं उनको 9 टीस्पूनफुल या 9 चम्मच से ज्यादा शुगर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब है फीमेल्स में 25 ग्राम्स एंड मेल्स में 36 ग्राम्स। इससे ज्यादा अगर आप शुगर इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। एंड इट इज वेरी इजी टू ओवरडू। हम हमेशा इससे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जरा ध्यान करके देखिए आप कितनी मिठाइयां खाते हैं, आप कितनी आइसक्रीम खाते हैं, आप कितनी चॉकलेट्स खाते हैं, केक्स खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं। इन सब में शुगर पैक्ड होती है जो आपकी बॉडी में जाती है। यह बिल्कुल सच्चाई है कि जो शुगर है आपके जो टेस्ट बड्स हैं उनको सेटिस्फाई करती है, इसका जो स्वाद है आपको बहुत फ्रेंडली लगता है। लेकिन यह बात सही है कि जो शुगर है आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। जहां तक खाने की चीजों का सवाल है, जो हम फल खाते हैं, जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं, जो हम दूध के प्रोडक्ट लेते हैं, जो हम अनाज खाते हैं, जो नेचुरल शुगर से उनमें सभी में होती है। जब हम ये खाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में ये स्लोली डाइजेस्ट होती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट होते हैं और उससे जो शुगर निकलती है वो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन के थ्रू जाती है और एब्जॉर्ब होकर हमारी जो बॉडी है उसको स्टेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी देती है। इसका मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं वो वास्तव में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। सही बात यह है कि जो एडेड शुगर्स की बात है, ये जो हम शुगर अलग से खाते हैं, ग्लूकोज अलग से खाते हैं, ये पैकेज जो फूड है उनमें जो शुगर आती है, हमारी जो बॉडी है इसको इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एडेड शुगर का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। नाउ इनके नुकसान जो है उनको एक एक करके देखिए। नंबर वन, अगर आप शुगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो शुगर आपकी बॉडी में जाएगी ये एस फैट आपकी बॉडी में स्टोर होगी और एस फैट बॉडी में स्टोर होगी तो धीरे धीरे आपका वेट बढ़ेगा। आपका ये कॉन्सेप्ट है कि आप मोटे होते हैं फैट ज्यादा खाने से, मेरा ऐसा मानना है और साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कि इट इज द कार्बोहाइड्रेट्स जो सबसे ज्यादा फैट बढ़ाते हैं या वेट बढ़ाते हैं रादर देन फैट इटसेल्फ। तो इसलिए एडेड शुगर को ध्यान से देखिए और इसको अपनी डाइट से अलग करिए, क्योंकि जो जहां तक ओबेसिटी का सवाल है या हायर बीएमआई का सवाल है वो दुनिया भर की बीमारियों से जुड़ी हुई है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, जो ओबेसिटी है वो सभी बीमारियों से जुड़ी हुई है। नंबर दो, डायबिटीज। आप समझते हैं कि अगर आप शुगर ज्यादा लेते हैं तो शुगर ज्यादा खाने से वास्तव में आपका ब्लड शुगर परसिस्टेंटली बार बार ऊपर की तरफ जाता है और आपके टाइप 2 डायबिटीज होने का जो खतरा है वो बढ़ता है। इसलिए कि शुगर ऊपर जाने से बार बार इंसुलिन का जो एक आउटपुट है वो ऊपर की तरफ जाता है और इंसुलिन ऊपर की तरफ आएगा तो बॉडी में फैट का डिपोजिशन होगा और बॉडी में फैट का डिपोजिशन होगा इट इज बिकॉज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस, या इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा तो जो टाइप 2 डायबिटीज है वो सामने आ जाएगी। तो जो टाइप 2 डायबिटीज का जहां तक सवाल है वो वास्तव में शुगर से सीधी सीधी जुड़ी हुई है। नाउ लुक एट द हाइपरटेंशन या हाई बीपी। आपके दिमाग में कंसेप्ट है कि ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन जो शुगर है उसको वरीसम कल्प्रिट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नमक से ज्यादा कल्प्रिट है ये आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा ऊपर करने की ताकत रखती है। एक्चुअली जब आप शुगर ज्यादा लेते हैं तो जो इंसुलिन का लेवल है वो ऊपर की तरफ जाता है। जब इंसुलिन का लेवल ऊपर की तरफ जाता है तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो एंडोथेलियम है उसको इंसुलिन डैमेज करता है, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको कम करता है, जो किडनी की वेसल्स हैं उनकी भी फ्लेक्सिबिलिटी कम करता है और किडनी फंक्शन अगर नीचे की तरफ जाएगा तो आपकी बॉडी में पानी भी स्टोर होगा एंड सोडियम भी स्टोर होगा। अगर दोनों चीजें स्टोर होंगी तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज द हार्ट डिजीज। ये बात बिल्कुल सही है कि एक स्टडीज जो है आई वो जो कहती हैं कि ऑन एन एवरेज अगर हम अमेरिकन पॉपुलेशन को देखें तो 1 in 10 अमेरिकन, इन इंडिया की पॉपुलेशन को देखें तो अर्बन इंडियंस या सो कॉल्ड एफ्लुएंट क्लास, इनके ऑलमोस्ट 1/4 जो कैलोरी है टोटल दिन भर की वो सिर्फ एडेड शुगर से आती है, मिठाइयों से आती है, केक पेस्ट्री इन्हीं चीजों से आती है। एक स्टडी ने ऐसा माना कि अगर इतना कैलोरीज 1/4 कैलोरी आपकी एडेड शुगर से है तो आपको हार्ट की बीमारी इस तरह होने की संभावना है कि द पॉसिबिलिटी इज दैट यू आर ट्वाइस
as likely to have heart disease than a general population. The next one is the high cholesterol. जो sugars हैं, they are really bad. In the sense कि आप अगर added sugar ज़्यादा लेते हैं, आप sugar ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपके body के अंदर जो bad cholesterol है या LDL cholesterol है, वो ऊपर की तरफ जाता है, और जो good cholesterol है या HDL है, वो नीचे की तरफ आता है. On an average, जितने भी जो है sugars हैं, वो जो triglycerides हैं, उनको ऊपर ले जाने की ताकत रखते हैं. Next one is the liver disease. आप जानते हैं कि जो आप sugar ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या जो packaged food आप लेते हैं, उसमें जो मीठापन लाने के लिए इस्तेमाल होती है, that is basically fructose. Most of these, contain high fructose corn syrup. तो जो लिवर है, इस फ्रक्टोज को वास्तव में फैट में कन्वर्ट करता है. अगर आप रेगुलरली फ्रक्टोज भेजते चले जाते हैं, वो लिवर उसको फैट में कन्वर्ट करता चला जाता है, तो आपकी जो बॉडी है, इन पर्टिकुलर लिवर, उसके अंदर फैट जमा होने लगता है. इसे कहते हैं NAFLD और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हुई, आपने इसको सीरियसली नहीं लिया, आपने इसको कंट्रोल नहीं किया, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सिरोसिस लिवर की तरफ जाने की ताकत रखता है. तो जो शुगर है, वास्तव में लिवर में फैट में कन्वर्ट होके एक NAFLD को जनरेट करती है. नाउ जहां तक किडनी स्टोन्स की पॉसिबिलिटी है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ज्यादा अमाउंट का फ्रक्टोज, टेबल शुगर, इन हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ये कुछ उस तरह की चीजें हैं जो किडनी स्टोन बनाने की ताकत रखते हैं. नाउ लुक एट द गाउट. जो गाउट है, ये बात बिल्कुल सही है, ये यूरिक एसिड के चलते आता है. जो गाउट है, ज्यादा रेड मीट से आता है, ऑर्गन मीट से आता है. लेकिन यही बात फ्रक्टोज के लिए भी सही है कि अगर आप फ्रक्टोज ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, एज शुगर आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा जाता है, तो यूरिक एसिड का बिल्डअप होता है इन योर बॉडी, एंड अल्टीमेटली गाउट के सिम्टम्स आते हैं. अगर आप शुगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो दिन के टाइम पे आप देखिए कि आपकी स्लीप जो है जैसे ऊपर नीचे होती है. जब आप शुगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वास्तव में आपकी जो ब्लड शुगर है, वो ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ आती है. ये जो एनर्जी का जो लेवल है, ये वास्तव में स्पाइक करती है, फिर उसमें क्रैश आता है. तो पहले स्पाइक करेगी, फिर क्रैश आएगा. ये जो बार बार स्पाइक और क्रैश है, ये वास्तव में आपको बहुत फटीग और बहुत लिथार्जी लेके आती है. और ये जो इस तरह की फटीग लिथार्जी है, तो वास्तव में डे टाइम में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो नींद आएगी ही आएगी, एंड आपको अवेक रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. नाइट टाइम में अगर आप ज्यादा मात्रा में इस तरह की शुगर लेते हैं, तो जो डेप्थ ऑफ द स्लीप है ड्यूरिंग द नाइट, वो हमेशा डिस्टर्ब होती है. इसलिए बेड टाइम पर स्वीट्स लेने की आदत को बंद करने की जरूरत है. नाउ लुक एट द मूड प्रॉब्लम्स. जहां तक मूड प्रॉब्लम्स का सवाल है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आपका मूड आपके शुगर इंटेक से सीधा जुड़ा हुआ है. अगर शुगर का इंटेक आपका एरेटिक है, तो आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आएंगी. तो अगर आपका मूड डिप्रेस लग रहा है, नीचे की तरफ है, तो आप देखिए जरा कि कहीं आपका शुगर इंटेक ज्यादा तो नहीं है. साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर आप शुगर का आपका जो इंटेक है बहुत ज्यादा है, जैसे एक स्टडी ने बोला कि अगर आप रोज 66 ग्राम शुगर पर डे खाते हैं, विच इज वेरी इजी कि अगर आप दिन में 3 मिठाइयां खा लें, तो 66 ग्राम के 100 ग्राम हो गया. अगर आप इतना शुगर खाते हैं, तो वास्तव में आपको एंजाइटी और डिप्रेशन, ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम होने की जो संभावना है, वो ज्यादा है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द कैविटीज. जो दांतों में कैविटी होती है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप शुगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एंड मुंह में ओरल कैविटी में शुगर होती है, तो वास्तव में आपके जो बैक्टीरिया होते हैं ओरल कैविटी में, उनको फीड करने की शुगर अवेलेबल होती है. और ये जो शुगर अवेलेबल होती है, वास्तव में जो दांत हैं, इनके पीछे एसिड का फॉर्मेशन चालू हो जाता है. ये जो एसिड बनता है, ये हमारे दांत की जो सतह के ऊपर जो इनेमल होता है, उसको डैमेज करता है. उसको एक बार डैमेज करेगा, तो कैविटीज का फॉर्मेशन चालू हो जाता है. तो जहां तक एसिड का सवाल है, ये ज्यादा बनेगा, तो कैविटीज डेवलप हो जाएंगी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड पॉसिबली आपको समझना चाहिए, दैट इज एजिंग. अगर आप शुगरी ड्रिंक्स ज्यादा लेते हैं, आप शुगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो साइंटिफिकली ये माना जाता है कि आप अपने बायोलॉजिकल जो एज है, उससे हमेशा बड़े दिखेंगे. अगर आपकी एज 50 साल की है, तो आप 55-60 के दिखाई देंगे. आपकी एज अगर 60 साल की है, तो आप 70 की दिखाई देंगे. ऐसा क्यों? इसलिए कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके ऊपर एक कैप लगी होती है, ताकि ये डैमेज ना होने पाए. जो कैप्स लगी होती हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, ये डीएनए होता है, इसको कहते हैं टेलोमियर.
जो टेलोमियर हैं वास्तव में हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनको डैमेज होने से बचाते हैं। वो जो क्रोमोसोम्स हैं यही डिटरमाइन करते हैं आपकी लॉन्गविटी, आपकी एजिंग, आपका अपीयरेंस। तो जितने जो टेलोमियर हैं वो लंबे होंगे, स्ट्रांग होंगे, आपकी जो एज है उतनी कंट्रोल में रहेगी। जो टेलोमियर जब छोटे होते हैं, शॉर्टन हो जाते हैं, तो वास्तव में जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे डायबिटीज है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, इनका इंसिडेंस हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि रेगुलरली आप हाई शुगर अगर इंटेक करते हैं, आपका इंसुलिन ऊपर नीचे की तरफ होता है, तो वास्तव में टेलोमियर्स डैमेज होते हैं एंड जो टेलोमियर्स हैं उनकी जो हाइट है वो छोटी हो जाती है, दे बिकम शॉर्टर टेलोमियर्स। अगर टेलोमियर्स छोटे होंगे तो जो क्रोमोसोम है वो डैमेज के लिए प्रोन हो जाएंगे, और तो एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सब आएंगी और एजिंग की प्रोसेस ज्यादा दिखेगी। तो जहां तक शुगर का सवाल है, शुगर सिर्फ डायबिटीज के लिए जिम्मेदार नहीं है या शुगर से सिर्फ डायबिटीज की बीमारी नहीं होती है, इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। जो शुगर है वो हजार बीमारियों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको आपको समझना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो शुगर की एडिशनल प्रॉब्लम को समझने में आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।